और खास तौर पे वो वाला वो परिंदा जिसके ऊपर वो बैठ के जा रहा। क्या बोला तूने? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। ट्रेलर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, सो लेट्स वॉच। जी जनाब, तो क्या हाल चाल है? हम वापस आ चुके हैं नई वीडियो के साथ और आप देख रहे हैं मिस्टर एक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज हम किस ट्रेलर का रिव्यू करने जा रहे हैं, रिएक्शन करने जा रहे हैं? Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ant-Man and the Wasp Quantumania. जी भाई, तो Avengers level movie आ चुकी है finally Ant-Man की। पहले दो movies काफ़ी grounded थी, छोटी movies थी, लेकिन ये एक बड़ी movie लग रही है। भरल टीजर हमने देख चुके थे, अभी मूवी जो आ चुकी है इसमें कैंग को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, फुल फ्लेज्ड रोल में, विलन में इसमें है, आ रहा है, जो कि आगे जाके बहुत बड़ा विलन होने वाला है। और बहुत सारे वेरिएंट्स दिखेंगे। आई थिंक ये कैंग अगर रिपीट होगा नहीं होगा ये पता चल जाएगा हमें। भरल लोकी में जो था ही वो रिमेन्स, वो एक फन वॉच था, उसका भी जो झलक थी, टीज था, वो इसमें पूरा होगा। अब देखो ना, आगे बहुत सारी मूवीज इसी पे होने वाली है। अभी वो कह रहे हैं, जो अभी तक खबर मिल रही है, कि सीक्रेट वार्स भी जो मूवी आ रही है उसमें, ओ पहले तो कैंग डायनेस्टी आएगी ना, वो तो पूरी है ही कैंग के नाम पे है, उस पर पता नहीं कितने कितने वेरियंट्स होंगे। लेकिन सीक्रेट वार्स में कह रहे हैं जो मेन विलन होगा वो बियॉन्डर होगा, वो भी उसमें उसको कैंग के एक वर्जन दिखाएंगे। और कह रहे हैं कि वही शायद असल जो वांडा की जो डार्क होल्ड थी, जो हमने देखी थी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, उसका जो राइटर है ओरिजिनल ऑथर भी वही होगा। ये खबरें आ रही हैं, लीक्स मिली हैं मुझे। बहरहाल जैसे जो आप फॉलो करते होने में पता होगा सेम। बहरहाल हम बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ देखें। तो ट्रेलर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, सो लेट्स वॉच। कैंग ये क्या सेलिब्रिटी बन गए कोई? अच्छा, इसमें वैसे मेरा ना एक फेवरेट वो पर्सपेक्टिव है कि फॉलो करना चाह रहे हैं। मैं शुरू से, जब से मैंने जो दोनों मूवीज़ देखी थी, जब पहली मूवी देखी थी जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था क्वांटम रैम को, जो क्वांटम रैम को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, मैं शुरू से चाह रहा था कि इसको भी एक्सप्लोर करें यार। फाइनली फाइनली इसमें एक्सप्लोर करा जा रहा है, पूरी मूवी क्वांटम रैम के अंदर ही बनी जा रही है। मैं ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चाह रहा था कि वो जो हो जाते हैं वो बिल्कुल मिनी पार्टिकल्स वगैरह, ये वो वगैरह, इसके बारे में खुल के बात हाँ कि वो हमें भी पता चले कि पता है कि एक नई भी एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया भी एक है जो चल रही है वहाँ पे, चीजें वीजें दुनिया में क्या हो रही है, और हमें भी था कि उसमें क्या चल रहा है, कैसे चल रही है। फाइनली छोटी छोटी इसमें कैंग है भाई, कैंग है उसके अंदर। क्या आप देखते हैं शायद इसमें अगर मजा और आएगा अगर मूवी के अंदर इसके ना पास्ट के भी कोई रेफरेंसेज हों। जैसे हमने देखा है कि एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया कि वो एंड वो शुरू में ले गए थे, वो टोनी स्टार्क का वालद भी आया, ये वो वगैरह। भरल जो जेनेट तो काफी ज्यादा एवेंजर्स के तकरीबन शुरू वाले पार्ट के काफी ज्यादा सीन दिखाए उन्होंने, और उस वजह से भी काफी ज्यादा हिट रही थी उन सीन की वजह से, चर्चों में रही। हाँ, मैं मुझे बड़ा पसंद आता है जो कनेक्शन सब आप दिखाते हैं ना, ईस्टर एग्स होते हैं कि एक मूवी के दूसरे मूवी में कनेक्शन आते हैं, वो वाला जो जिसमें माहिर है, मतलब कि जो वाइब ही लग रही है। हाँ, एवेंजर्स की जो मार्वल की मूवी टॉप पे है तो वो एक बंदे को बड़ी वो करती है। एक तो आपको एक रिमाइंडर भी हो जाता है इस मूवी का, एक वो नॉस्टैल्जिया भी हो जाता है, बहुत चीज़ों में फैक्टर हो जाता है, जिसकी वजह से जो उनकी बेस है, स्ट्रक्चर है मार्वल का, जिसे बहुत कामयाब है, वो सबसे कामयाब सीरीज है दुनिया की। आई थिंक लाइन टू लाइन उसकी सबसे तो टॉप मूवीज हैं कमाने वाली, वो मार्वल की मूवीज है सबसे ऊपर पर। हाँ, तो ये भी लग रहा है कि बिलियन डॉलर मूवी एक नेक्स्ट आने वाली है, जो जो इसका वो है। हमारा स्टार्ट करते हैं, बहुत बोल दिया। Okay. Okay. Oh, कॉमिक एक्यूरेट पूरा रखी है मैंने, फेस ब्लू है इसमें। अच्छा, वो जो कह रहे हैं जो 5 साल गुजर गए ना वापस कर सकता हूँ, ये क्या? पोर्टल्स बिल्कुल वो थैनोस जैसे लग रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही क्या वो भाई, ये तो अवतार वाली वाइब दे रहे हैं।
टॉप नॉच VFX भाई। भाई ये क्या चल रहा है, स्पेगेटी बन गई इसकी। सारे इतने सारे मोडोक मोडोक आ गया फाइनली। भाई इतने तो कुट पैनी है बड़ी। इतने सारे आठ में कैसा लगा हो जाफा आपको ट्रेलर भाई साहब? अमेजिंग है ना यार, इतना मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इस स्केल की बनाएंगे ये लोग। एक क्या कहते हैं वो भी आंट मैन की मूवी, बहरहाल नेक्स्ट लेवल पे ले चुके हैं यार। बहुत यार क्रेजी लग रही है मूवी, मैं एक्साइटेड हो रहा है ना। इतना मुझे लगा था कि अभी आंट मैन एक उसकी मूवी के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ। बहरहाल बहुत लेवल लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और ये मूवी फरवरी 17 को आने वाली है तो हाँ इंशाल्लाह ये दिन कैसे गुजरेंगे पता नहीं, जब भी होगा आएगी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे हम लोग और आपके साथ उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। हाँ कि वो कैसी लगी, हमने जाके देखी। हम सिनेमा में देखने जाते हैं। आप तो सिनेमा ही देखेंगे ना जाके? हाँ ये भी कोशिश होगी फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखें। बहरहाल मैं मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है यार, ये जो सीन दिखा रहे हैं ना अब वो पता नहीं क्या रियलिटी को बेंड करते हैं। उसमें शुरू नहीं है कहा कि भाई वो जो कहते हैं कि रियलिटी को बदल सकता है कैंग, उसके पास ये पावर है। अब जो आई थिंक वो इसमें दिखाएंगे जो दिखाई थी हमें जो टीवी थी टाइम में आगे जा सकते हैं, वो जो लॉकी वाली जो थी वो बनाने वाला ही कैंग था, उसको बिल्ड करने वाला। बहरहाल उसमें दिखाते हैं टाइम लाइन फिर बदल कर सकते हैं, लेकिन दिखाते हैं पावर्स की क्या है यार। लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रही है, और जो आंट मैन की जो हालत बिगाड़ी है उन्होंने, ओहो बेचारे की ऐसी तैसी की हुई है। लेकिन यार उसने कंपटीशन दिया हुआ था, मैं हैरान था उसको इतना कंपटीशन दे पाया। उसका मैंने देखा एक वो बाजू रिप हुआ हुआ था उसका कैंग का, एक बाजू नहीं था ना वो टूट गया था, मतलब कि लड़ाई में फाइटिंग में जो हो गया था कोई भी डैमेज किया था उसने, इतना दे दिया। लेकिन जो भाई वो सीन में एंड में जो वो लाइन बोलता है कि भाई आई डोंट हैव टू विन वी बोथ हैव टू लूज, अब वो एक मुझे लग रहा है कि एलिमेंट ऐसा है कि मूवी देखेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या करता है आगे। तो एक एक्साइटेड उसने कर दिया, बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ा दिया कि वो क्या ऐसी चीज़ होगी या जो होगा कि दोनों को हारना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इसमें डेथ भी हो जाए आंट मैन की, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ मल्टीवर्स, वो दोबारा भी आ सकता है, कोई ना कोई नया वर्जन उसका आ सकता है। लेकिन इसमें तो उन्होंने इतने वर्जन दिखाए हैं कि भाई भर भर के इधर से इधर गिर रहे हैं, एक ऊपर चढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं यार। अच्छा और साथ ही ना अभी हमने हाल ही में देखी थी लास्ट मूवी अवतार, देखी थी हमने जाके, उसकी सेम वो वाइब्स दे रहे हैं ना। अवतार मूवी काफी कुछ लग रही थी, वाइब आ रही थी। हाँ बहरहाल वो खास तौर पे वो वाला वो परिंदा जिसके ऊपर वो बैठ के जा रहा है, क्या बोला तूने? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोडा। हाँ और यार CIG कौन है ये लोग, जो CGI जो उसके इफेक्ट्स हैं विजुअल्स हैं VFX बहुत ज़बरदस्त लग रहा था यार, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, अमेजिंग लग रहा था। मैं सोच रहा हूँ बड़ी स्क्रीन पर जब इसको देखेंगे बड़ी स्क्रीन पर तो कितना ही मज़ा आएगा, क्या ही व्यू होगा, क्या ही लेवल होगा। हाँ अवतार जैसी वाइब आ रही थी। हाँ अवतार के लेवल का तो नहीं होगा लेकिन बहुत स्टनिंग लग रहा है विजुअली इनके पास, क्योंकि कम टाइम होता है अवतार, वो 10 साल से बन रही है, 12 साल से, 12 लेकिन इन्होंने अपने बहुत चंद कम टाइम में बनाना होता है। हाँ VFX की वजह से बड़ा बैकलैश आया था इनकी वजह से, अब जिस वजह से इनकी मूवीज डिले हो रही हैं, जो पहले जो 2025 तक पहले कह रहे थे वो आनी ही दो मूवीज, अब वो लगता है 26 से 27 तक पहुंच जाएंगी अवेंजर्स की जो सीक्रेट वार्स और कैंग डायनेस्टी ना। बहरहाल बहुत अमेजिंग लग रहा है ट्रेलर आंट मैन, मुझे नहीं लगा था कभी मैं इसको इतना बड़ा कर पाएंगे, लेकिन हमेशा कोई मार्वल सरप्राइज देता है हमें ना, हर बार कोई नई चीज़ देता है, तो जिस वजह से उनकी मतलब कि वो बनी होती है ना, ऑडियंस जुड़ी जाती है हमेशा उनके साथ। बहरहाल कमेंट से हमें बताएंगे आपको ट्रेलर कैसा लगा, होपफुली आपको ट्रेलर पसंद आया होगा, और अपनी राय का इजहार भी करें हमें कि कैसा लगा आपको ये ट्रेलर। जी जी मैंने तो फारसी में बोला। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, तो नाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें बर वक्त।
जी, हम भी देखेंगे, बनाते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस और यूट्यूब पे डालते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। होपफुली आपको हमारे रिएक्शन पसंद आते हों। हमें ज़रा अपनी राय बताएं कि हमें आने वक्तों में, मतलब कि नेक्स्ट हमें कौन सी वीडियोस का आप चाहेंगे जिसको रिएक्शन करें, हम उसको मेंशन करते रहें कमेंट्स में ताकि हम करते रहें। होपफुली बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, हम बिता लेते हैं आपसे, होपफुली आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं भाई, मिशन मजबूर नहीं दिखाया, अदाब अदाब अदाब। जनता माफ नहीं करेगी। महाकाल का ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।